बहुत अच्छी ही देता है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बनाएंगे एक रूम हीटर। उसके लिए आपको ऐसे लकड़ी के पीस चाहिए और इसको इस साइज से भी बना सकते हैं या आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं इसका साइज। आपको ऐसे ही दो पीसेस और कट कर लेने हैं। आसानी से कट होता है, बहुत आसान है इसे बनाना। इसे कोई भी घर पर आसानी से बना सकता है। और ऐसे ही एक पीस आपको चाहिए। आपको इधर ऐसे ही दो पीसेस लाने हैं और इसे ऐसे ही कील देने हैं। अगर मैं अच्छे से दिखाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैं इसे शॉर्ट शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। अब आपको ये ऐसे ही लगाने हैं। जो छोटे वाले पीसेस दो हमारे पास होते हैं उसी को ये लगाने हैं ऐसे ही। फेविकॉल की मदद से आप लगा सकते हैं। मैं इधर फेविकॉल भी लगा रहा हूँ और कील भी लगा रहा हूँ। आप फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कील का भी। अगर मैं इधर फेविकॉल का वेट करता तो मुझे बहुत टाइम लगता इसे बनाने में, इसलिए मैं इसको कील भी दे रहा हूँ। ऐसे अब आपको दूसरे को भी लगाना है। देखिए हमने लगाया दूसरे को भी। अब आपके पास जो बड़े साइज के बचते हैं उसी को ये साइडों में लगाना है। ऐसे जैसे मैं लगाता हूँ आप तब तक लगाएं, तब तक हम भी लगाते हैं। हमने इधर लगाया इसको। हम वीडियो बीच बीच में कट कर लेते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। फिर देखिए मैंने अच्छे से इसको फिट भी कर दिया, बहुत अच्छा दिख रहा है। और हमने इसकी फिनिशिंग पहले ही कर दी थी वुडन की सैंड पेपर से। अब आपको पीछे से ऐसे ही होल इसको बहुत करने हैं, बीच में एक बड़ा होल जिसमें ये मोटर आ जाए। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। उसके में होल इसको ड्रिल मशीन से कर रहे हैं। आप चाहे उस फैन के बदले आप सीपीयू फैन भी लगा सकते हैं। सीपीयू फैन इस फैन से अच्छा वर्क करेगा। अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो आप ये भी लगा सकते हैं। देखिए हमने इसमें फैन भी फिट कर दिया। आप अगर सीपीयू फैन लगाओगे तो आपको अच्छे से वो इसमें फिट करना है, वो बहुत ही आसान है इसमें लगाना। अब हमको इधर एमसी लेना है, इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब इसको अच्छी तरीके से लगाना है, इधर लगाना है अच्छे से, लकड़ी दिखनी नहीं चाहिए। हमने इसे अच्छे से लगाया। अब आपको इसके बाद एक चार्जर का मॉड्यूल लाना है। यही आप किसी भी पुराने चार्जर का मॉड्यूल ले सकते हैं। ये वही चार्जर है जिसको हमने 12 वोल्ट में कन्वर्ट किया। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ये चार्जिंग मॉड्यूल फैन को पावर सप्लाई देगा। जो आपके पास वुड बचता है एक पीस उसको ऐसे ही कट कर लेना है, एक एलईडी के लिए और एक ऑन ऑफ स्विच के लिए। इसमें चार्जर की एलईडी लगेगी। हमने इसमें ऑन ऑफ स्विच भी फिट कर दिया और चार्जर भी फिट कर दिया और एलईडी भी अपनी जगह फिट कर दी। इस वीडियो के आगे आपको इसका ड्राई कैम भी मिलेगा। कनेक्शन अब आपको अच्छे से कर लेने हैं क्योंकि कनेक्शन में थोड़ा भी उधर इधर हो गया तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है।
अब इधर हमको हीटिंग वायर लगाना है। हम इधर पुराने इस्त्री का आप इधर हीटिंग कॉइल भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप यही ले लें। अगर आपको 150 से कम पावर आ रहा है तो ही आप ये ले लें, वरना आप हीटिंग कॉइल भी ले लें। जो हमने इस पे की लगाई थी बहुत, अब इसी को राउंड करना है। अब देखिए आप इसे कैसे लगाना है। अब ऐसे ही राउंड करके एक एक कील के ऊपर लगाना है। बहुत अच्छे से ये लगता है इस पर। आप हीटिंग कॉइल का ही इस्तेमाल करें तो बेहतर। मैं यहाँ पर ये इसीलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारे घर में 150 वोल्ट से कम ही पावर आता है। अगर आपको 150 से ऊपर आता है तो आप इसे नहीं यूज़ कर सकते, तो आपको हीटिंग कॉइल ही लाना पड़ेगा। इसमें आप कोई भी वाट का ले सकते हो, कम वाट का कम ही बिजली बिल आएगा। अगर ज़्यादा वाट का लगाएंगे तो ज़्यादा ही आएगा। अब इसको ऐसे ही लगाना है, टाइट, बहुत टाइट लगाना है ये, वरना ये बाद में लूज भी हो सकता है। ये इसको बहुत टाइट लगाए ऐसे जैसे मैंने लगाया। अब हमने इसको सब भी लगाया। अब हम इसकी कनेक्शन पर आते हैं। इधर से स्टार्ट होता है उधर एक कनेक्शन है, और इधर से ख़त्म होता है उधर भी एक कनेक्शन। हम इस वीडियो के आगे आपको इसका ड्राई गेम भी देंगे, इससे आपको बहुत आसानी होगी बनाने में। आप तब तक एंजॉय करो वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस करो बेल बटन को, ताकि अपडेट पहले आपको मिले, और अच्छी सी कोई भी कमेंट करो। इसको हमने बंद करके फिट कर दिया। अब हम इसको स्क्रू लगाएंगे। अब इसका डायग्राम दे सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पास कर। अब हम इसको फ्रेंच साइज बनाएंगे इस जाली की मदद से। आपको जाली आसानी से मिल जाएगी हार्डवेयर शॉप पर। आपको अब इसको अच्छे से कट कर लेना है ऐसे जैसे मैंने किया है। अब इसको डी शेप देनी है क्योंकि ये डी शेप से बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आपको ऐसे ही दो वुडन पीसेस कट कर लेने हैं। अब इसे फेविकोल से इसे ऐसे लगाना है। आप कील भी दे सकते हैं या फेविकोल भी लगा सकते हैं, मैं दोनों कर रहा हूँ। आपको अब ऐसे ही दोनों साइड से लगा लेना है, और ये दिखने में बहुत ही अच्छा ऐसे लगेगा। हमने इसे दोनों साइड से लगा लिया। अब हमको इस पर जाल लगानी है। जाल को अब हम इस पर कील से ही बंद करेंगे।
अब देखिए हम कैसे बंद करेंगे ऐसे अ भी करना। देखिए दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसको इधर भी एक ही लगाना है और उधर भी एक ही लगाना है और नीचे के साइड से भी इधर भी और इधर भी लगाना है। और ये हमने सील भी लगा कर फिट कर दिया, बंद कर दिया अच्छे से। अब देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा अब दिखता है और ये हीट भी बहुत ही अच्छी देता है। अब इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग कर आएंगे, अब हम इसका टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। मेरे पास टेम्परेचर सेंसर नहीं है मगर ये बहुत अच्छी हीट देता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस करो बेल बटन को ताकि अपडेट पहले आपको मिले, और इस वीडियो को शेयर करो। बहुत अच्छी चीज़ देता है, आप घर पर इसे ट्राई कर सकते हैं।